विश्वविद्यालय का यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो छात्र के कल्याण के लिए, छात्रों के हित के लिए और उनमें नेतृत्व की जो क्षमताएं उनको विकसित करने के लिए यह जो मंच है उसको किस प्रकार से और भी सशक्त बनाया जा सके, उसको किस प्रकार से हम अपने छात्रों के उपयोग के लिए और भी सार्थक स्वरूप प्रदान कर सकें, इन सब बातों को दृष्टिगत करते हुए इस पूरे आयोजन की तैयारियां की गई। हमारा 10 दिवसीय कार्यक्रम होगा जो लिंगो समिति के संस्तुतियों के अनुरूप, जिसका शुभारंभ 12 तारीख से होगा नामांकन प्रपत्रों के वेबसाइट पर उपलब्ध होने से, जिसे प्रत्याशी छात्र सुविधापूर्वक डाउनलोड कर सकेंगे और 12 तारीख अक्टूबर से कार्यक्रम प्रारंभ होकर के इसकी परिणति होगी शपथ ग्रहण समारोह जो कि 22 अक्टूबर को आयोजित होगा। इस पूरे कार्यक्रम में आपके सामने कार्यक्रम की सूची उपलब्ध है, इसमें जो तिथियां हैं 12 से 15 अक्टूबर तक 3 दिन, वेबसाइट जो कि आज से सक्रिय कर दी गई है, आप इस पर समस्त सूचनाएं इस छात्र परिषद के चुनाव के संदर्भ में प्राप्त कर सकते हैं। लाइव लोकेशंस पे हम लोग उपलब्ध रहेंगे और सूचनाएं रियल टाइम में आपके पास निरंतर पहुंचती रहेंगी, ऐसा मेरे पूरे सहयोगी टीम का प्रयास होगा। तो ये जो वेबसाइट है वह यूनिवर्सिटी में उसका यूनिवर्सिटी का हमारा जो वेब पोर्टल है ALGUNIV.AC.IN से संलग्न होगी, उस पर लिंक उपलब्ध होगा, परंतु दोनों वेबसाइट्स इंडिपेंडेंट रूप से स्वतंत्र रूप से भी कार्य कर रही होंगी। कभी ऐसी आकस्मिकता होती है कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल में कुछ तकनीकी अवरोध पैदा होता है, तो उस अवस्था में भी हमारे पास विकल्प होगा छात्रों के पास और हम सभी के पास जो सूचना उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और वह वेबसाइट www.ausc-election-2019.in यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप परिचित हैं, वह भी उल्लेख यहाँ पर उसका कर दिया गया है। तो पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है मित्रों वह द्विस्तरीय होगी। पहले चरण में जो चुनाव का आयोजन होगा उसमें कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। विश्वविद्यालय ने जो व्यवस्था की है उसके अनुरूप 5 इकाइयों में विभक्त होगा समस्त विश्वविद्यालय का जो मतदाता, तो 5 इकाइयां 4 संकाय और 5वीं इकाई का सृजन किया गया है जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज IPS एंड IITS इन दोनों को शामिल करके संपृक्त रूप से इसमें जो विभिन्न कोर्सेज संचालित होते हैं वह 5वीं इकाई सृजित की गई है, जिससे कि छात्रों का जो प्रतिनिधित्व है वह सर्वव्यापी हो और अंतिम छात्र छात्रा तक वह पहुंचे। यह वैशिष्ट्य इस प्रणाली में निश्चित रूप से उपलब्ध होगा जो अतीत में संभवतः नहीं था। तदुपरांत जो द्वितीय चरण होगा वह 21 अक्टूबर को जब कक्षा प्रतिनिधियों का जो चुनाव हुआ है उसका परिणाम घोषित होने के उपरांत, जैसा आप देख पाएंगे क्रम संख्या 7 पर उल्लिखित 22 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है वह 22 तारीख को ही संपन्न होगा और दिन के अवसान के साथ साथ 4:30 बजे के बाद इसी समय भी इन 5 पदाधिकारियों के चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी।
यह आपके पास कार्यक्रम की रूपरेखा उपलब्ध है। साथ ही साथ मैं उल्लेख करना चाहूंगा जो संरचना पूरी इस पूरे चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें प्रतिनिधित्व समस्त संकायों का, जैसा मैंने बताया पूर्व में, पांचों इकाइयों का और उनके जो कक्षा प्रतिनिधि होंगे वे किस प्रकार से वहां पर उनका चयन होगा, और इसमें इस बात का संपूर्ण ध्यान रखा गया है कि यह जो प्रतिनिधित्व है वह अतीत में जो ये कहीं पर कमी होती थी इसकी, महिला प्रतिनिधि जो है वह हर स्तर पर हर संकाय की जो पांचों इकाइयां हैं उनसे वो चुन करके आएंगी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि 50% उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी संरचना के निर्माण में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें समाज के समस्त वर्गों का भी जो प्रतिनिधित्व है, जैसा कि अपेक्षित भी है और हमारे ऊपर एक संवैधानिक दायित्व भी है संस्था के ऊपर, उसको ध्यान में रखते हुए उसका भी प्रावधान किया गया है। और इसके अनुसार यह जो प्रक्रिया होगी जिसमें अंततोगत्वा कार्यकारी समिति का जो सृजन होगा उसमें संपूर्ण जो संख्या है जो कि नीचे उल्लिखित है इस पत्रक के अंत में, संपूर्ण जो गणना दी गई है वह संख्या 133 की होगी। 70 की संख्या मैंने बताया जो निर्वाचन मंडल का हिस्सा होंगे, जिसमें से 5 पदाधिकारी चुने जाएंगे और निर्वाचन जो होगा वह इन्हीं 70 लोगों का जो समूह है छात्र प्रतिनिधियों का, उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में मैं आप सबको यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2012 में जब छात्र संघ के चुनाव हुए और लिंगो संस्कृतियों का 2006 में जब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया गया, उसको लागू किया गया, उसके बाद से अनेकानेक कठिनाइयां और इस प्रकार की बातें उत्पन्न हुई, जिसके कारण जो चुनाव प्रणाली विकसित की गई थी उसमें संशोधन की आवश्यकता थी, और विश्वविद्यालय ने इसी को ध्यान में रखते हुए समस्त छात्रों के व्यापक हित को का संरक्षण करने के उद्देश्य से लिंग दो समितियों की समिति की जो संस्तुतियां थी उसी के परिधि में इस पूरी प्रक्रिया का जो अधिनियम अभी 2019 में बनाया है उसको रखा है। इसलिए विश्वविद्यालय का यह प्रयास होगा और मैं आप सब से बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा कि अतीत में जिस प्रकार से आपकी बहुत ही सकारात्मक और सार्थक और बहुत ही सोच समझ के सूझबूझ वाली जो आपका सहयोग रहा है, हम लोग तालमेल बना करके चले हैं, विश्वविद्यालय ने निश्चित रूप से उससे हमेशा अपने को समर्थ पाया है, संकल्पित पाया है, और ये भी देखा गया कि आपके सहयोग से बहुत सी ऐसी जो कठिनाइयाँ क्रियान्वयन में आती हैं उसमें भी आपका जो रचनात्मक और सकारात्मक जो दृष्टिकोण है उससे हम लोग हमेशा लाभान्वित हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि आगे भी पूर्ववत आपका उसी प्रकार का सहयोग हम सबको प्राप्त होता रहेगा। आप सब विश्वविद्यालय से जुड़ाव आपका भावनात्मक भी है, व्यक्तिगत स्तर पर भी है, और यह संस्था किस प्रकार से छात्रों के हित के लिए काम करे, समाज के लिए और देश के लिए किस प्रकार से, इस प्रकार की जो छात्रों का समूह है, छात्रों का इस प्रकार की जो संरचना है, संगठन है, वे किस तरीके से समाज के उन्नयन में, विकास में, देश हित में किस प्रकार से काम कर पाए, इसमें आप सब का सहयोग लोकतंत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण चौथे स्तंभ के रूप में जिस प्रकार से वांछित है, मैं समझता हूँ वह भविष्य में भी हम सबको प्राप्त होता रहेगा। अगर मैं ये कहूँ कि यह हम दोनों लोगों की स्टेक होल्डर के रूप में भागीदारी है इस प्रकार के कार्य को करने के लिए, तो यह शायद अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा।
आप सबकी भूमिका, आप सबका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम सब जो कि शिक्षक के रूप में जिसे इस दायित्व का निर्वहन करना ही है। शायद हम लोग भी कभी सोचते थे कि जेएनयू की तरह हो जाता है, शिक्षक इससे मुक्त हो जाते, लेकिन ये हमारा बहुत पुनीत कर्तव्य है कि हम स्वयं छात्रों को जिस प्रकार से अपनी कक्षाओं में नेतृत्व की ढेर सारी गुरु सिखाते हैं, बताते हैं और उनके व्यक्तित्व के विकास में किस प्रकार से हम सहायक होते हैं, तो समाज में आगे चल करके वो किस प्रकार से एक अच्छे नागरिक के रूप में लोकतंत्र के विभिन्न अवयव हैं उनको किस प्रकार से संरक्षित कर सकें, पोषित कर सकें और देश को सशक्त बना सकें, एक कुशल और सशक्त नेतृत्व लेकर के उस प्रकार के जो व्यक्तित्व का निर्माण है इन छात्रों का, छात्राओं का, हम उसमें किस प्रकार से दोनों लोग मिलकर के, दोनों मीन्स हमारे जो मीडिया के बंधु हैं और हम सब शिक्षक, इसको आगे कंधे से कंधा मिला करके इसके बहुत सफल होने में किस प्रकार से अपनी